गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्री ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम काफी कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ईच वन ऑफ यू हैज टू ओपन योर बुक्स पेज नंबर 159। लेट्स हैव अ रीकैप जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। सो इंडस्ट्री, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडस्ट्री क्या होती है, एक ऐसी जगह जहां पर रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है या हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। सर्विसेज कैन बी लाइक वी हैव आर ऑलरेडी रेफ्रिजरेटेड इंस्टॉल्ड एट अ हाउस एंड वी नीड टू गेट इट सर्विस्ड। सो हाउ डू वी गेट इट? वी विल कॉन्टैक्ट टू द इंडस्ट्री पीपल एंड समबडी फ्रॉम देयर एंड विल कम एट आवर प्लेस एंड दे गेट आवर रेफ्रिजरेटर सर्विस। ठीक है, सो इंडस्ट्री इज वॉट? इंडस्ट्री कैन बी अ प्लेस वेयर आर रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल जिसको एक फिनिश्ड गुड्स, एक प्रॉपर एक गुड्स में यूजिंग द टूल्स, यूजिंग मैन पावर, उसको एक फिनिश्ड गुड्स में एक यूज करने लायक एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? वही फिनिश्ड गुड्स को टूल्स की हेल्प से हम कन्वर्ट कर देते हैं एक फिनिश्ड गुड्स में, उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। फाइन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज के टाइप्स जो कि ओनरशिप पर डिपेंडेंट है, मतलब कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव, आई एम नॉट गोना गेट इनटू द डिटेल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। एंड देन द रॉ मटेरियल कैन बी एग्रो, मिनरल, मरीन, पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट बेस्ड। एंड द थर्ड कैटेगरी इज साइज, लाइक इट इज अ बिग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और द कॉटेज वन। फाइन, सो नाउ वी आर गोना डिस्कस इन डिटेल द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज, if you can see on page number 161, factors that affect the location of industries, मतलब कि हमें किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी इंडस्ट्री को जो है establish करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती है? रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। फाइन, सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब अगर हम कोई एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें कार के पार्ट्स बनते हैं, फाइन, तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में क्या रखें कि हमें जो है हमारा रॉ मटेरियल वो पास में मिल जाए, मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे। पावर, अगर हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें पावर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना इलेक्ट्रिसिटी हमारा काम नहीं चलेगा। सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन अवर माइंड दैट we should establish our industry at some location where the power, where the electricity is supplied at a good rate and theek hai। and the next is labor, agar hamari industry mein zarurat hai labor ki, bahut zyada human skilled or unskilled labors ki, wo main bata chuki hu, wo dhyan mein rakhte hain। transport, kahin aisi jagah pe to nahi ki puri hills pe bana diya hai aur wahan pe transportation ki zarurat, transportation difficult hai या फिर पहुंच नहीं पाता, तो वो चीजें भी। मार्केट की, कहीं हम ऐसी जगह पर तो वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर रहे जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो कि गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान। सो दीज आर, आई विल एक्सप्लेन यू बाय रीडिंग द ईच एंड एवरी पॉइंट, बट ऊपर बता दिया है। रॉ मटेरियल, लुक इन योर बुक्स पेज नंबर 161। रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज दैट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ बल्की और हेवी रॉ मटेरियल लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हमें जो सोर्स है, जहां से हमारा कच्चा माल मिलेगा, उसके आसपास की लोकैलिटी हमें दिमाग में रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर रॉ मटेरियल लाइक कोल एंड आयरन ओ, सो द स्टील प्लांट लोकेटेड नियर कोल फील्ड एंड आयरन ओर माइंस। मतलब हमें अपनी इंडस्ट्री को पास, ऐसी जगह के पास रखना चाहिए, ऐसी जगह के पास स्टैब्लिश करना चाहिए जहां पर हमारे कच्चा माल इजिली और जल्दी और पास ही उपलब्ध में हो जाए। नेक्स्ट वी हैव पावर, मोस्ट इंडस्ट्री स्पेशली लार्ज स्केल इंडस्ट्री नीड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, हेंस दे शुड लोकेटेड नियर द थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है बनती है, उसके पास ही हमें अपनी इंडस्ट्री को लगाना चाहिए। लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली मैं बता चुकी हूँ, मार्केट, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट इनेबल क्विक सेल्स ऑफ गुड। मतलब इंडस्ट्री हमने अपने कंट्री के एक लोकेशन पे स्टैब्लिश कर दी और मार्केट जो है वो दूसरे कोने पर है, सो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बहुत ज्यादा लगेगी। हो सकता है हमारा
कुछ फूड रिलेटेड फूड आइटम कुछ हो जिसको ट्रांसपोर्ट करने में ही 8 दिन लग जाए तो वो हमारा जो गुड है गुड्स है वो खराब होने का डर है. सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन आवर माइंड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसी. द गवर्नमेंट ऑफ अर्नमार्क सर्टन रीजन्स एंड इंडस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज मतलब मार्क की हुई है कि भाई इस तरीके की इंडस्ट्री इसी लोकेशन पर स्टैब्लिश हो सकती है. तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है. नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वे ऑफ वर्किंग इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से काम करती है. ठीक है, बुक में देखेंगे पेज नंबर 162. इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. मतलब ये क्या है इंडस्ट्रियल सिस्टम भाई? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है एंड देन वो एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है. डिस्कवरी पे एक आता है फूड फैक्ट्री, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे ने देखा होगा ये चैनल. नहीं देखा है तो अगर आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम समझना है तो आप फूड फैक्ट्री डिस्कवरी पे एक शो आता है उसको जरूर देखना. उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ कैंड फूड बनता है, जैसे कि आप सोचो ऑलिव्स, ठीक है, वो आप देखेंगे ऑलिव्स तोड़े जाते हैं पेड़ों से, फिर उनको इंडस्ट्री के अंदर ले जाया जाता है. कुछ बड़ी बड़ी से प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के थ्रू वो गुजरता है और प्रॉपर एक कैंड के कैंड ऑलिव्स हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं. मतलब वहां से फिनिश गुड्स निकलते हैं एंड देन इट गेट इनटू अ मार्केट एंड देन वी आर एबल टू द कॉमन पीपल आर एबल टू परचेज देम. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम. इसको हम रीड खुद से कर लेंगे. आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियल रीजन. पेज नंबर 163. इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रीजन इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर इन अ सिलेक्ट एरिया. मतलब इंडस्ट्रियल रीजन, रीजन से समझ में आ रहा है कोई ऐसी जगह. तो जैसे कि हम देखते हैं कहा जाता है, सुनना होगा आईटी हब है ना, बेंगलुरु इज कंसिडर्ड एज आईटी हब ऑफ अ कंट्री. मतलब बेंगलोर में आप जाओगे तो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज है. इनफैक्ट इन नोएडा ऑल्सो इफ यू गो वर्ड सेक्टर 62-63 यू विल फाइंड इंडस्ट्रीज, ओनली द इंडस्ट्रीज. देयर इज नो प्लेस वेयर पीपल लिव है ना. आप इफ यू क्रॉस द रोड तो एक साइड पे आपको रेजिडेंशियल एंड देन यू फाइंड इंडस्ट्रीज वन आफ्टर अनदर. सो वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर, इंडस्ट्रियल रीजन है जहां पर लगातार इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, हब है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेंगलुरु इज कंसिडर्ड एज आईटी हब, यू विल फाइंड एवरी आईटी कंपनी लोकेटेड देयर. फाइन, सो द मेजर, पेज नंबर 163 लाइन नंबर 6. द मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया कंप्राइजिंग ईस्टर्न चाइना, जापान, साउथ कोरिया. द इंडस्ट्री रीजन स्ट्रेच इन अ वाइड बेल्ट अक्रॉस नॉर्थ सेंट्रल, मतलब ये बेल्ट बता रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां से कहां तक हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बसी हुई हैं. देन सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया आर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन, द झारखंड. ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द रीजन. वो एक ऐसी जगहें हैं जहां पर इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं. तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आती हैं, तभी वहां पर इंडस्ट्रीज वन आफ्टर अनदर हैं. फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. कल मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइजेस के आंसर्स प्लस वन वर्ड एंड पैराग्राफ बता दूंगी. व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज यू नीड टू फाइंड इट आउट एक्सरसाइज ए बी एंड सी. आप लोग खुद से मार्क करके बुक्स में मुझे पिक्चर सेंड करेंगे. फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.